कहीं ना कहीं बच्चों को 17.5 साल में भर्ती कर रहे हैं और उनको 24, 21, 22, 23, 24 साल यानी कि जिस उम्र में भर्ती होते हैं उसके प्लस 4 साल कर दिए जाए और उसके बाद में वो आर्मी की ट्रेनिंग पाके, आर्मी के पूरे रहन सहन को देख के उसके बाद उनको हम घर भेज दे रहे हैं बिना किसी जॉब सिक्योरिटी के। साफ साफ पता चलता है कि ये योजना से लाई गई ताकि फौज की पेंशन का जो दबाव है इन पे ना आए। सेना में अग्निपथ स्कीम, क्या ये कदम सरकार का सही? क्योंकि आज ये बात हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस योजना के ऊपर में वाकई में कोई सरकार भले इसकी कितनी भी तारीफें कर ले लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती है। अभी अगर हम हाल ही में बात करें शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह की, तो आप लोगों ने यही बोला कि सर इन लोगों को, जो शहीद अमृतपाल जी थे, इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। जहाँ की कई लोगों ने ये चीज़ें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करी तो आर्मी की तरफ से एक ऑफिशियल जो उनका ट्वीट है वहाँ से ये बताया गया कि नहीं, इन्होंने जो है इनके जो वो शहीद नहीं हुए हैं, इनकी एक्सीडेंटल मौत हुई है खुद की इनकी वेपन से। तो कहीं ना कहीं भले ही इससे सरकार या मिलिट्री बचना चाहे लेकिन अगर उसके वेपन से भी अगर उसकी मौत हुई है तो कहीं ना कहीं बात जाती है प्रशिक्षण पे, क्योंकि सेना की सिखलाई है जब भी फायरिंग या कोई भी चीज़ जब आप फायरिंग के लिए जाते हो तो जाने से पहले हथियारों की हैंडलिंग और आने के बाद में सेफ्टी के साथ में उसकी हैंडलिंग या खाली करके कार्रवाई करवाई जाती है ताकि किसी प्रकार से कोई हादसा न हो सके। और ये ड्रिल ड्यूटी में चढ़ने से पहले भी और ड्यूटी जब आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भी ये ड्रिल ऑथराइज है, यानी कि आपको ये करना ही पड़ता है। उसके बाद में कैसे हादसा हो गया, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि 6 महीने की ट्रेनिंग, मैं इसको खुद ही अपने आप में पूर्ण नहीं समझता हूँ। जहाँ तक मैं ही नहीं, हमारे जो भी इंडियन आर्मी के जो भी पुराने रिटायरमेंट हैं या इंडियन आर्मी के जो भी रिटायरमेंट जेसीओ साहिबान हैं या ऑफिसर्स हैं, अधिकतर छोड़ के जो सरकार के जादूगर हैं उनको छोड़ के बाकी कोई लोग से भी अगर आप पूछेंगे तो उनका सबसे बड़ा और सबसे बड़ा डाउट ही उनका यही रहता है कि सिक्योरिटी के ऊपर में कि अग्निवीर योजना कितनी सुरक्षित। क्योंकि हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है आप लोग देखते ही होंगे, कई राज्य नक्सल से पीड़ित हैं, कई राज्य जो है हमारे वो आतंकवादी से पीड़ित हैं। हम कहीं ना कहीं बच्चों को 17.5 साल में भर्ती कर रहे हैं और उनको 21, 22, 23, 24 साल यानी कि जिस उम्र में भर्ती होते हैं उसके प्लस 4 साल कर दिए जाए और उसके बाद में वो आर्मी की ट्रेनिंग पाके, आर्मी के पूरे रहन सहन को देख के उसके बाद उनको हम घर भेज दे रहे हैं बिना किसी जॉब सिक्योरिटी के। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है या नहीं है, इस पर जरूर सोच विचार किया जाना चाहिए। दूसरा, हम अग्निपथ योजना लाए क्यों? भले ही आज सरकार कुछ भी गुणगान करे इस योजना का, दुनिया भर के फायदे गिनाए, ये लोग तो आप भी जानते होंगे कि इसके कितने फायदे हैं। साफ साफ पता चलता है कि ये योजना से लाई गई ताकि फौज की पेंशन का जो दबाव है इन पे ना आए, यानी कि सरकार पे ना आए। अमीर उद्योगपतियों के करोड़ों रुपए का कर्जा माफ कर दिया जा रहा है लेकिन देश की सुरक्षा में तैनात सैनिक का जो पेंशन है वो इन लोगों को इतनी भारी पड़ रही है। और आज हम बात करते हैं अपनी इकोनॉमी ट्रिलियंस में जाने की, ठीक है? तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे भी सवाल है। और जब आंदोलन हुआ इसका, कभी भी हम लोगों ने हिंसा का कभी भी सपोर्ट नहीं किया। हमने यही बोला हमेशा कि शांति प्रिय प्रदर्शन करना और करे, लेकिन लोगों को इस प्रकार डराया गया कि अगर आप लोग आंदोलन में होंगे तो आप लोगों का अगर नाम आ गया तो आप लोग कभी भी सेना की भर्ती नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे करके आंदोलन को दबाने की भी कोशिश की गई। चलो जो भी हो गया, अग्निपथ योजना लागू हो गई, लेकिन अब परिणाम आप आपने देख लिए होंगे, चाहे शहीद अमृतपाल जी का केस हो या अभी आप देख रहे होंगे कि अभी हमारा जो हमारा एक और जवान शहीद हुआ, शहीद लक्ष्मण, अक्षय लक्ष्मण, तो उसके बारे में भी आपने देख लिया होगा। तो अब लोगों में एक चीज़ ये रहती है यार, लोगों में छोड़िए, जो बंदा एक फौज की तैयारी करता है, सवेरे शाम दौड़ता है और वो यही सपने देखता है कि मैं एक फौजी बनूंगा, मतलब वो अपने नाम के आगे एक फौजी टाइटल लगाना चाहता है, उसको भी आपने, सरकार ने हमारी अग्निवीर बना दिया, तो कहीं ना कहीं तो ये एक देश के युवा के साथ में नाइंसाफी है, ऐसा मैं सोचता हूँ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वो जरूर बताना। और अगर आज जहाँ हमारे जो बड़े बड़े राज्य भी जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, चाहे हम बात करें आपके राजस्थान की, चाहे बात करें मध्य प्रदेश की, चाहे बात करें छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर अभी चुनाव हो रहे हैं, मैं आप लोग जो भी युवा साथी हमारे इन क्षेत्रों के हैं और आपके यहाँ जब भी विधायक आप लोगों से वोटों की मांगने आए, भीख, या आपके यहाँ बड़े बड़े भी केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, तो जरूर उन लोगों के ऊपर में आप जरूर सभाओं में सवाल जरूर उठाएं
कि अग्निपथ योजना को आप वापस लेंगे या नहीं लेंगे, और 2024 में तो उसको हम मेन मुद्दा बना देंगे, अग्निवीर योजना को वापस लो वाला। हमारा वोट उसी को जाएगा जो अग्निवीर योजना को बंद कराएगा। तो इस चीज के लिए हमें और आपको पुरजोर अपनी आवाज उठानी होगी। अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे तो वाकई जो एक देश का जो सबसे बड़ा सुरक्षा तंत्र है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके अंदर में कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है इंडियन आर्मी के मार्फत, इंडियन एयरफोर्स के मार्फत, इंडियन नेवी के मार्फत, उनकी सर्विस का क्राइटेरिया आप 4 साल करके कहीं ना कहीं आप देश की सुरक्षा में भी सवालिया निशान लगा रहे हो। भले ही सरकार में बैठे हुए लोग इसके कितने भी फायदे गिना दें या कोई भी तर्क दे दें, हकीकत क्या है अब निकल के आ भी रहा है। ट्रेनिंग सेंटरों में भी जो ट्रेनिंग हो रही है वहां से भी सब जगह से फीडबैक जाता है। जैसे अग्निवीरों के बैच गए हैं, अभी 2 बैच चले गए हैं, 1 बैच पास आउट हो गया तो अपना यूनिट में भी चला गया, 1 ट्रेनिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सेंटरों से भी फीडबैक लिया जा रहा है जहां वो ट्रेनिंग करने गए, और यूनिटों से भी फीडबैक लिया जाएगा कि भाई इनकी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं जो फौज के आप लोगों में कितना बदलाव नजर आया है। तो फीडबैक तो ट्रेनिंग सेंटर भी दे रहा है और यूनिट भी देंगी। तो मुझे तो लगता नहीं कि ये जो अग्निपथ योजना है ये सफल होगी। मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ कि अग्निपथ योजना निरस्त हो जाए, इसके बजाय जो पुरानी भर्तियाँ जैसे से होती थी उसी प्रकार एक बार दोबारा हमारी पुरानी भर्तियाँ लागू हो। बाकी आप लोग अग्निपथ योजना के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिनके यहाँ चुनाव है इस मुद्दे को अपने विधायकों के साथ में जरूर शेयर करें। जब भी वो चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो अपना अग्निपथ का जो मुद्दा है ये आप जरूर उठाएं। बाकी आप लोगों की आवाज़ बनके मैं हमेशा आप लोगों के साथ में खड़ा रहूंगा और अपनी आवाज़ उठाता रहूंगा अग्निपथ योजना के लिए, और वही रिक्वेस्ट आपसे भी करूंगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।